हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप ही के ब्लॉग चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं अपनी यूट्यूब ब्लॉग आगरा से। फिलहाल आज बुधवार है और 19 तारीख है। सो आज बहुत मतलब ज़्यादा टाइट हूँ और अभी अभी इतने सारे कपड़े मैंने बहुत बुरे ढक गए हैं, डबल है। सो ये तो साफ़ है फ्लोर, इसलिए मैं ज़मीन पर रख लेती हूँ और सो भी जाती हूँ। डेली साफ़ होता है इसलिए। तो भैया सिर्फ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि आज रात में मैंने सोचा था कि मैं मट्ठा वाले आलू बनाऊंगी, बेसन वाले आलू खाए होंगे बहुतों ने, पर काम से टाइम नहीं मिला मुझे। सो पर देर से बनाऊंगी तो देर से दिखाऊंगी, अगर नहीं बनाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। आगे बने रहिए इस ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और मेरे पूरे कपड़े फिलहाल गीले हो रखे हैं, बहुत गीले हो रखे हैं। सो मैं अभी 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, आधे घंटा तक मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। बहुत थक गई हूँ सच्ची में। जस्ट अभी अभी वॉश करके मैं इन्हें लाई हूँ। बहुत सारे कपड़े थे इकट्ठे हो रहे थे, मैं धुल नहीं रहे थे। इसका रीज़न था एक, क्योंकि सामान नहीं, सरफ नहीं आ रहा था इसलिए। सो अब आया है, सो अब धुले हैं। सो ये ऑफिस सोमवार भी था, सो डिले डाल दी, कोई बात नहीं। चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये वाला जो मेरा ब्लॉग है, ये जो मैंने कल से स्टार्ट किया था, परसों से ही मतलब मंडे से स्टार्ट किया था, सो पर कल नहीं डाल पाऊँगी। कल कितनी है, 20 तारीख है, हाँ तो कल नहीं डाल पाऊँगी। कल वो मंडे का जो रेसिपी था, जो मैंने करेला और जो भिंडी बनाई थी, वो चीज़ आएगा उसमें। ये तो मतलब उसके 22 तारीख के लगभग आएगा ये वाला ब्लॉग। सो देखते रहिए, बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और बेसन वाले दही आलू बनाने आ गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये दही है, इसको मैंने ऑलरेडी बिल्लो के यहाँ रख लिया। इसमें काला नमक पड़ा, 1 चम्मच मिर्ची पड़ी है घर की, वही कुटी हुई, और ये जीरा पाउडर है, और ये मेरा ऑयल हो गया है। और मैं दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड कितना गई, हाँ ये रही। इसमें कुछ टूटे हुए तेजपत्ता के पत्ते हैं, सूखी 4 मिर्चें हैं, हींग है, जीरा है, राई है, बस, और हींग भी है इसमें, दिख नहीं रही, और आलू, बस इन सब से मैं ये बनाने वाली हूँ अभी। और बाकी में बहुत टेस्टी बनता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, 2 चम्मच बेसन के लिए हैं जो ग्राइंड कर लिए हैं मैंने इसमें। तो बस इतना सा ही चीज़ है जो है, सो मैं बता देती हूँ अभी। ये मैं स्टार्ट करती हूँ, ये गरम है, सबसे पहले ये जाएगा। इसको लगते ही मैं जल्दी जल्दी आलू खोलूँगी, ये लगे ना। राई खटकने लगी,
मैंने पता इसमें पूरा एक जग पानी था, मैंने वो सारा डाल दिया क्योंकि अब इसको धीरे धीरे मैं पकाऊंगी। एक घंटा तो लगाऊंगी लगाऊंगी आराम से, ये अच्छे से पक जाए। सो ये पक जाए उसके बाद मैं मिलती हूँ। फिर मटा हो, तोड़ हो, दही हो, जो भी हो वो डाल दो। सो मेरे पास लाल दही था तो मैंने दही डाल दिया, और दही थोड़ा सा खट्टा हो तो ये दही खट्टा है और कुछ नहीं। और राई और हींग ज़रूर डालें, हींग ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, इसको हींग बहुत अच्छी लगती है इसमें। अब मैं आटा मार लेती हूँ, उसके बाद इसको एक घंटा देती हूँ पकने में, ये जितना है उससे आधा हो जाए, घट जाए, तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। हाँ जी, 10:30 होने वाले हैं रात के। सो मेरा आलू का रसा जो दही बेसन वाला है वो बन चुका है। 10:30 होने वाले हैं। सो हाँ, सो जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँ। कपड़े फैला दिए हैं, जस्ट डबल टिबल, देखिए 1 2 3 तीन दो, तीन दो लेयर, सब में ऐसे ही है। सो ये कुछ नहीं है बाहर, उस पर भी डलिए बाथरूम के दरवाजे पर, और ये किचन के दरवाजे पे भी डले हैं, और ये भी यहाँ भी डले हैं। सो मतलब हर जगह कपड़े डले हैं। सो भैया मेरे कपड़े बहुत हो जाते हैं, बहुत जगह नहीं होती डालने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये नीचे सोवा हुआ था, इसके पापा इसको उठा के लाए थे, इसको यहाँ सुला दिया है। मेरा काम हो जाएगा बर्तन माँज कर, अभी तो बर्तन में बहुत टाइम है। सो तेल मैंने सलोनी तेल यूज़ किया, यूज़ करते हैं वही आटा है इसमें। सो और क्या, ये बेबी का दूध गर्म करके रखा है, ये भी इसमें छींटा पड़ गए हैं तेल के। बाबा एक सेकंड गर्म है, चिमटा कर जस्ट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये बन चुका है, मैंने इसको पतला रखा है क्योंकि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा और मुझे पतला पसंद है। ठीक बना लेती हूँ, इसमें मैंने पानी बॉईल किया है अपने लिए। सो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। हेलो दोस्तों, 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और मेरी रोटियाँ हो चुकी हैं, और मैंने कुछ भी अभी उठा के नहीं रखा है, किचन में जैसा है वैसा ही पड़ा है। अभी परात चकला बेलन सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं, और मुझे लग रही है गर्मी और उससे पहले लग रही है मुझे भूख। सो मैं पहले दिखा देती हूँ, पसीना बहुत आ रहा है, देखो पसीना बहुत आ रहा है। ये मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, अभी नहीं खा रही, थोड़ी 5 मिनट रेस्ट के बाद खाऊंगी क्योंकि ये भी गर्म है गेरा, और ये तो ठंडी है, तो कोई बात नहीं ठंडी खा लूँगी, बट उससे पहले थोड़ा सा पानी पीऊँगी, प्यास बहुत लगी है मुझे। देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं उठाया है, गर्मी बहुत लगी है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं उठाया है। अभी मैंने रोटियाँ रखी हैं इसमें, और ये तो रख देती हूँ। तो चलिए शायद मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करूं, तो एंड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। गाइस कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग आगरा से, और हम भागवत कथा में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं और मेरा बेबी। ओ राधिका लल, हेलो करो, नमस्ते करो। सो निकलने का टाइम तो कुछ ऐसा था कि 3:30 बजे तक निकल जाएंगे, पर नहीं, हो गए 4:30 हो गए, और आज 20 तारीख है, 19 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो मैं कल भी नहीं जा पाई थी। सो मैं तो हो गई रेडी। सो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वहाँ ज्ञान लेने जा रही हूँ, नहीं, पहले मुझे ना मेरे घर का देखना है, उसके बाद वहाँ का देखना है, टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, पर आज मुझे कवर करना है क्या, आज मुझे वहाँ का कवर करना है क्या है क्या नहीं है और क्या होता है, क्योंकि मैं पहली बार देखूँगी इसलिए। तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की संभालूँ, वो तो बाद में है, वो तो बुढ़ापे तक चलती रहेगी, उसको तो जब तक देख लो। तो चलिए वो किचन में दूर रखा है उसको मैं मेरा फ़ोन गिर गया जस्ट अभी, इतने ऊँचे से जितनी मैं हूँ, और मैं अलमारी बंद कर रही, इसने खोली थी वो, और वो गिर गया, और बड़े ज़ोर से लगा, और फिलहाल पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं लगाया सिवाय अपने मॉइस्चराइज़र के अलावा। और चल इसको मैं इसकी तरफ फोकस कर देती हूँ, मैंने जा रहा बाबू। और आज हमारी ना गैस मतलब ख़त्म हो गई थी सुबह सुबह।
आज सुबह सुबह हमारी गैस भी खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई तो मतलब इसका पराठा नहीं बन पाया, तो इसके लिए ब्रेड और मक्खन रखना पड़ा। फिर उसके बाद अब चलो वो तो हो गया सिलेंडर। अब एक आध घंटा 2 घंटे हुए हैं इसको लगाए, सो मुझे भूख नहीं लगी, सो मैं तो बाद में आके लगेगी तो खाऊंगी। और नीचे मैंने बिछैया गला रखा है जिस पे इसने सूसू किया था, सो उसको मतलब अभी वॉश नहीं करूँगी। मैंने 9:30 या 9 बजे करीबन वो गलाया था, तो आने के बाद मैं उसको धोऊंगी रात में। सो वो नीचे गला रखा है, दिखाऊंगी अभी आपको जाते जाते। ये रही है बिछैया, इसको आने के बाद धोऊंगी। अभी इसको धूप में रख दिया था अच्छे से गलाने। चलो ये बाहर जो मुंडों की माला है ना वो किसकी है आपको पता है? में हमको भगवान शंकर जी मिलते हैं। जैसे ही शंकर जी मिले, हेलो गाइस, हाँ ये मैंने वॉल्यूम बंद करी है यहाँ पे क्योंकि भजन हो रहे थे और मेरे भजन में कॉपीराइट का क्लेम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। सो उस सब के लिए सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए। और भजन बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे, मैं सुनाने का मन था, मैंने अपने पास क्लिप रखी है पर क्या करूँ मैं इसमें डाल नहीं सकती। सो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मैं चलिए कल आप सभी राजा परीक्षित की कथा को श्रवण करेंगे। आपकी कथा को यहीं पर ब्राह्मण करना होता है वहाँ, तो वो मतलब बड़े बूढ़ों के लिए बढ़िया है। वहाँ यंग तो बहुत ही कम दिख रहे थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बड़े बूढ़े थी 2-3 भवे थी बस, कुल मिला के ज़्यादा नहीं थी, पर सारी बड़ी बूढ़ी थी और बड़े बूढ़े भी थे। सो मैं तो पहली बार गई तो पहला एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, प्रसाद भी मिला था लास्ट में आते आते। सो आरती भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, वैसे सही लगा क्योंकि अभी हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं है। जब काम कंप्लीट हो जाए ना, जैसे कि बाल बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ जाएं, लिख जाएं, कि अपना कोई मुकाम भी कुछ हासिल हो जाए, तब ये सब चीज़ अच्छी लगती है। मतलब पे नहीं अच्छी लगती कि चलो काम किया चलो, अरे भैया बहुत काम है जीवन में, पहले ये निपट जाए फिर बाद में वो निपट लेगा, तो वो तो होते रहेंगे ठीक है। तो पहले वो कर लो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो घर भी इम्पोर्टेंट है, पूजा पाठ घर में कर लो वो भी बड़ा काम है। सो मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, सही है, जिन्हें वहाँ टाइम देना है वो तो हम घर में देंगे, भैया वहाँ नहीं दे पाएंगे। वहाँ देने के लिए अभी हमें बहुत उम्र करनी पड़ेगी अभी अपनी, तो उसके लिए टाइम है, उम्र हो जाए उसके बाद देंगे। सो चलिए, मैं रात तो हो चुकी है और आज बृहस्पतिवार है, 20 तारीख है और भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, जो मैंने वो बेसन वाली में बार बार पलट कर जा रही हूँ। और अपन दोनों ये रखिए, ये रही, अब इसको बहुत अच्छे से गर्म करूँगी, खदकाऊँगी और इसके साथ अभी रोटियाँ डाल के पहले। तो चलिए मैं मिलती हूँ, नहीं खाना तो खाऊँगी मैं, बनाऊँगी। अब मैं आपसे ना, मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब मैं ना एडिटिंग करूँगी, तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग, आगे से
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और नहीं है मेरे चैनल को प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। सो यार मोटिवेशन की ज़रूरत है और सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सो प्लीज़।